हमारा साथ है पटना में सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज में। और आज विनय बिहारी आज जबरदस्त तरीके से आज पटना पहुंचे हैं और लोगों को बीच में क्या कुछ कहे हैं मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, यानी भोजपुरी में भी हंगामा हो गया है भाई, पवन खेसारी का विवाद हो गया है। और ये जोड़ कर रखते हैं, कैसे विवाद हो जाता है आपके रहते हुए, आप विधायक भी हैं, कहाँ विवाद हुआ है? बहुत विवाद हो गया है, एक दूसरे का टिप्पणी हो गया है। अरे सिनेमा में लोग काम करता है ना, तो सिनेमा में काम करता है तो कभी अमीर का काम करता है, कभी गरीब का काम करता है, कभी किसान का काम करता है, कभी मजदूर का काम करता है। तो एक होता है रियल लाइफ, एक होता है रील लाइफ। तो रील लाइफ में बहुत कुछ होता है। तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि भाई आप ये नत कीजिए, वे नत कीजिए, फोन है, फोन पर मैसेज करना चाहिए। अरे फोन पर मैसेज क्या करना, आदमी को अपने तरीके से जीने दीजिए भाई। यानी लफड़ा कर देना है, तांडव करना है सोशल मीडिया में। कहाँ तांडव हुआ है, कहाँ सोशल मीडिया में हो गया? अरे वो दोनों एक ही हैं। हाँ, कैसे एक के हैं? एक है, आप देखे नहीं चुनाव में? हाँ। नहीं बिल्कुल हम देखे हैं, काराकाट में देखे ना आप? बिल्कुल देखे। आपका तो इलाका है, बिल्कुल देखे हैं, देखे किए। हाँ। इस जंगल में हम दो शेर आप कोची दोनों मांस ही खाते हैं, दोनों मांस खाते हैं लोग। आपको कौन क्या खाता है इसके पीछे का पगल? कैसे ऐसे हंगामा होना चाहिए, एक दूसरे के टिप्पणी नहीं होना चाहिए, भोजपुरी शांत था भैया। कुछ देखिए एक चीज बता रहे, कोई भी कलाकार अगर बॉलीवुड में या हॉलीवुड में बिहार का भोजपुरी का अगर जाता है तो ये अपने आप में उस कलाकार के लिए भी गर्व की बात है, हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है, भोजपुरी के लिए भी गर्व की बात है, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और ऐसी परंपरा कोई अभी थोड़े है। आपने शारदा सिन्हा का नाम तो सुना ही होगा, कहे तो उसे सजना, फिल्म थी मैंने प्यार किया, गोल्डन जुबली पिक्चर है, शारदा सिन्हा ने उसमें गाना गाया था कहे तो उसे सजना, और वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ, फिल्म भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दी। तो इससे सिर्फ शारदा जी का ही नाम थोड़े हुआ, हमारे बिहार का नाम रोशन हुआ, भोजपुरी का नाम रोशन हुआ। तो कहीं ना लड़के तो रोशन नहीं होगा ना? नहीं लड़के रोशन नहीं होगा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक कलाकार भोजपुरी से हिंदी गाता है, अच्छी बात है ना? तो आप क्या समझते हैं खेसारी लाल को हिंदी गाना नहीं मिलेगा, वो भी टैलेंटेड लड़का है। आप गवाएंगे, आप गवाएंगे। हाँ हम यश चोपड़ा रहते, यश जौहर रहते तब ना, करण जौहर तो हम है नहीं। आप तो भोजपुरी हिंदी में सारा छाए हुए हैं। देखिए छाए हुए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि एक बहुत बड़े बैनर में किसी भोजपुरी कलाकार का गाना आना अपने आप में एक गौरव की बात है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से खेसारी जी और पवन जी के फैंस लोग हैं, है ना, वो लोग आपस में भले कुछ विवादों में उलझाते हैं या उलझते हैं, ठीक है, गाना आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या विनय बिहारी ये गाना के माध्यम से लकीर है? ये क्या लकीर है, लकीरें बन लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि लकीरें बनाने वाले लोग खुद की लकीरें भी तोड़ते हैं। हाँ। और कभी कभी दूसरे लोग भी लकीरें तोड़ते हैं। हाँ। हम कहते हैं सुनील गावस्कर बहुत अच्छे खिलाड़ी। हाँ। सचिन तेंदुलकर आए, विराट कोहली आए, तो ये संसार परिवर्तन का स्वरूप है। आज जो है मैं जानता हूँ कि दिल से कुछ भी खेसारी जी को ऐसा नहीं है कि पवन जी को यशराज की फिल्म में गाना क्यों मिला, क्योंकि खेसारी जी भी टैलेंटेड आदमी है, बिल्कुल ये मानते हैं, उनको भी मिलेगा और उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए विवाद, नहीं होना चाहिए काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। हाँ काम, जैसे पवन सिंह ने काम करके दिखाया, खेसारी जी भी दिखाएंगे, तब दिखाएंगे अब जब उनको अवसर मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, विनय बिहारी जल्द एकदम खेसारी जी हिंदी में गाएंगे, बॉलीवुड तक गाएंगे। गाएगा, अभी टैलेंटेड लड़का है, बिल्कुल है गाएगा, बिल्कुल है। हाँ। ये मानते हैं। हाँ। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी में गा करके सबसे पहली लकीर खींची उन्होंने, और वो फिल्म जितनी चली थी उतनी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी की फिल्म नहीं चलेगी।
लेकिन पवन सिंह के आपने भी गाना देकर लकीर कहीं ना कहीं खींच दिया है, कौन गाना है दर्शकों के भी बताना जरूरी है। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है। हाँ। और मैंने पवन सिंह को धन्यवाद भी बोला है कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया भी, और प्रोड्यूसर ने उस फिल्म को, उस फिल्म में उस गाने को बहुत अच्छे से फिल्माया है। और सबसे बड़ी बात है ये कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लोगों ने आपकी आवाज़ और उस गाने को पसंद किया, इसके लिए पवन सिंह को पूरे बिहार की ओर से धन्यवाद है। मेरी ओर से तो धन्यवाद है ही, मैं तो उनका आप दोनों आदमी के धन्यवाद देते हैं भाई, आप एक तरफा नहीं चलते हैं। एक तरफा चल, अच्छा एक बात बताइए, मैं कह दूँ खेसारी को कुछ नहीं आता है तो ये मेरे मुंह से अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इना नहीं आए, वो इतने ऊपर है। आज जहाँ पे खेसारी लाल जी हैं, थोड़ा 19-20 दोनों का चलते रहता है। दोनों गायक हैं, दोनों नायक हैं। भैंसा है, एगो भैंसा है, थोड़ा कह दीजिए, मोमेंट में आइए, मोमेंट में आइए। कैसे डायलॉग है बता दीजिए भैया। डायलॉग यही है कि सबके पास पैसा है नहीं, शुरू होता है इल्जाम लगाना कैसा है। हाँ। दोनों के पास पैसा है, एक साढ़ है एक भैंसा है, नाता कैसा है? नाता दोस्ताना है, भाई भाई के है। देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, विनय बिहारी हमारा साथ है। ये सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है कि जबरदस्त तरीके से ये दोनों कलाकार के जबरदस्त तरीके से एकदम लगातार बातचीत करते हुए हमारे साथ पटना में, ये सबसे बड़ी खबर। और देखिए ये चंदन जी के आज इवेंट में पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ हो गया।